जय हिंद। मैं मोहम्मद तौफीक BTS न्यूज एंड TV चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। चल भैया आज मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने पर आप लोग किस तरह का उत्साह? मैं प्रणाम वंदे मातरम समिति का अध्यक्ष अनूप जायसवाल, आज हम सब ने कचहरी स्थित इस माननीय अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर अम्बेडकर जी को माल्यार्पण पुष्पांजलि करके द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी है, नमन किया है, वंदन किया है, अभिनंदन किया है, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर पटाखा जलाकर खुशी हर्षोल्लास के साथ, क्योंकि बाबा साहब के संविधान ने ही देश को आज यहाँ तक पहुँचाया कि एक आदिवासी महिला आज राष्ट्रपति के पद पर स्थापित होने जा रही हैं। इसलिए सबसे पहले हमने बाबा साहब का नमन किया है, वंदन किया है, अभिनंदन किया है, उनको माल्यार्पण पुष्पांजलि करके, और द्रौपदी मुर्मू जी को हम सब अपने काशीवासी आभार व्यक्त करते हैं, उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, माँ गंगा बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि वो भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए अपने पूरी क्षमता के साथ राष्ट्रपति के पद पर काम करते हुए भारत को एक नए मानक के रूप में स्थापित करें, और आदिवासियों का जो प्रतिनिधित्व जिस क्षेत्र से वो आती थी, आज आदिवासी समाज का भी मान सम्मान बढ़ गया है पूरे देश में कि राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला बैठ करके पूरे विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। हम सब काशीवासी उनको बधाई देते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं काशीवासियों की।